हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमार लेके आया हुआ एक नया ब्लॉग। क्या बताऊं मैं आपको, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास, जो कल मेरे साथ हादसा हुआ था। अभी मतलब गाड़ी ठीक भी करानी है ना, तो आज हुआ ही मेरे साथ कि मैंने रात को, मतलब मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि सुबह सुबह उठता हूँ जल्दी, बट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब मैं रात को घर पे आया सोते सोते, मतलब मेरे को दो बज गए, तो मैंने बोला कि 5 बजे का अलार्म, मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुबह सुबह जल्दी उठने का, तो 5 बजे का अलार्म लगाया, 5:05 का लगाया, 5:10 का लगाया, 5:15 का लगाया, 5:20 का लगाया। ठीक है, अभी कितना अलार्म लगाया, 5 अलार्म, क्योंकि 5 बजे उठने के लिए। तो भी मैं अलार्म बजा और काट रहा हूँ, फिर से सो रहा हूँ, काट रहा हूँ, फिर से सो रहा हूँ, काट रहा हूँ, फिर से सो रहा हूँ। बाद में लास्ट जो 5:20 का अलार्म लगा, तो मैंने वो काट के बोला चल ठीक है अभी उठ जाता हूँ। बाद में मेरे मन में ऐसा आया कि थोड़ा 5 मिनट और सो जाता हूँ, तो मैंने 5 मिनट के चक्कर में अभी 9 बजे उठा, तो मैं बोला चल ठीक है बड़ा, अभी मतलब ये गाड़ी ठीक करानी है, नई दिन है, नई शुरुआत करते। चलो कोई नहीं, जो कल हो गया उसको दिमाग में रख के स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं। मैंने गाड़ी तो दे दी है वहां पर और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। वो बोला कि शाम को 4-5 बजे तक आ जाता हूँ, मैं 4-5 बजे तक चले जाऊँगा। और मेरे साथ है मिस्टर एडी जो कि हमारे साथ आए थे प्रॉपर गैराज तक। मैं बोला कंपनी के लिए कोई है नहीं, तो मैं बोला मिस्टर एडी को लेके जाता हूँ, बस कुछ नहीं है, अभी मैं घर पे जाऊँगा। ये चार्ज में मोबाइल में 1% ही चार्ज है, इसके लिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। अभी बंद हो गया अचानक, तो अभी मेरी गलती नहीं, तो ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 1:43 और मैं घर पे आने के बाद जो पेन ड्राइव था वो मेरे क्लाइंट को देना था, तो मैं तो 2-3 दिन से बोल रहा था मैं अभी आज रात को आ रहा हूँ, मगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने दिया ही नहीं। जो मेरा फोन का केबल था वो कार में पड़ा था, तो अभी मेरे पास यहाँ पर है नहीं। मैं अडेप्टर देखा, मैं बोला यार चार्जिंग किधर है, मैंने सोचा कि कार में ही रख दिया रहेगा। तो बाद में मैं बोला अब क्या करूँ यार, चार्जिंग तो है नहीं, फोन डेड है, और मैं अभी तो ब्लॉग भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोला चल ठीक है, वो शाम को बुलाया। तो मैं बाद में यहाँ पर कजिन भाई का यूनिकॉर्न लिया, क्योंकि मेरी गाड़ी मतलब ये पल्सर का भी टंकी फूटी हुई है। कल मैं बाइक चालू किया, स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मेरे पापा को बोला क्या पेट्रोल नहीं भरा है, बोलते नहीं भराया था ना मैंने, तो बोलते उसका टंकी नीचे से फूटा हुआ है, तो पेट्रोल पूरा गिर रहा है। बोला अच्छा, वो गाड़ी में भी टंकी फूटी हुई है, ये गाड़ी में भी टंकी फूटी हुई है, इसको भी लेटा के चिपकाना पड़ेगा। और क्लाइंट को पेन ड्राइव भी दे दिया, और वो बोलते हैं कि क्या बहुत लेट कर दिया। मैं लेट, मगर मैंने उनको पहले ही फोटो सेंड कर दिया था। बाद में वो बोलते अभी चलो छोड़ो, जो भी बात हुआ वो क्या अभी बोलेंगे, उसको बोल के फायदा नहीं है। टाइम हो रहा है 3:42 और मैं जस्ट अभी उठा। भाई साहब मुझे कॉल आ चुका था वो गैराज वाले से कि आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। हाँ, ये वाला पीछे वाला, तो गाड़ी तो बन चुकी है मगर पीछे वाला लॉक नहीं मिल रहा है, तो वो पूरा असेंबली आता है पूरा, तो वो फोन कर रहे हैं मंगा रहे, तो मेरा कल तक भी मिल जाएगा, तो कल डलवा देंगे, क्योंकि अभी गांव में जाएगी गाड़ी, और क्या शादी का मौका है, और सब सामान वामान, मतलब शादी का सब सामान अंदर रख के पापा की तरफ, समझ रहे हो ना, दूसरी जगह जाएंगे ऐसा सब, यार क्या आवाज है इधर, दूसरी जगह सामान लेने जाएंगे तो थोड़े बहुत सामान अंदर रहेंगे, तो ये एक लॉक नहीं होता ये वाला दरवाजा, तो इसका भी वो लॉक खराब हो गया, तो वही अभी पूछ रहे मतलब मिलेगा कि नहीं। चलो आए है कि नहीं, मिल जाएगा ना, कल कितना बजे आओ तुम? हाँ ठीक है चलो। अभी मतलब पीछे से जो आवाज़ आ रही थी गाड़ी स्टार्ट करने पर, अब वो भी नहीं आ रही आवाज़, क्योंकि जो साइलेंसर था उसका नीचे का जो ब्रैकेट था वो टूट चुका था, तो उन्होंने बना दिया। अब मतलब मैंने बोला कि शॉक अब्सॉर्बर भी चेंज करना है, तो वो बोले कि भाई शॉक अब्सॉर्बर चारों अच्छे हैं, तो वो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो आवाज़ आ रही है वो स्टेयरिंग में से आ रही है, क्योंकि स्टेयरिंग का कुछ तो प्रॉब्लम है, तो बोले इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आने के बाद वो स्टेयरिंग का काम भी करा देंगे, तो नहीं हो जाएगी गाड़ी। भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 6:17, मतलब 6:17 हो रहे, और मैं मतलब एडिट करने ही बैठा हूँ, ऑब्वियसली एडिट करने बैठा था। अभी मैंने रेंडर पे डालो, अभी बता रहा 2:12, बट 2:12 ये नहीं लेगा, ये कंफर्म है कम टाइम लेगा। जब तक ये रेंडर के लिए नहीं होएगा तब तक मैं दूसरा वीडियो एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो अभी हम निकलते दुकान पर, थोड़ा क्या दुकान में भी देखना पड़ता ना भाई। अभी जस्ट शॉप से निकलो और अभी जा रहा हूँ घर पे, और शॉप पर बैठ के थोड़ा अच्छा लगा, और कुछ लोग आए थे, और वो क्यों आए थे वो आपको मतलब वो अभी कल बताएंगे, तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि वो लोग क्यों आए थे। ये तो अपना रेंडर भी हो चुका है,
और बाकी तो कुछ नहीं, बस खाना वाना खाया। आज घर पे पाव भाजी बनी थी जिसमें पाव ही नहीं था। सही है, दो ब्रेड मतलब दो पैकेट ब्रेड लेके आया। मैं आया घर पे तो मैंने बोला कि क्या है यार ये पाव भाजी बनाया तो पाव तो है ही नहीं। तो मेरी बहन बोलती है आज बेकरी में स्ट्राइक है, इसके लिए किसके घर भी पाव नहीं आया। तो मैं बोला अच्छा, मतलब रुक लेके आता हूँ अभी। गया संतोष वड़ा पाव के बाद मतलब तीन लादी पाव दे यार, तीन लादी पाव लिया और लेके आया। मतलब अभी कहाँ से आया ये, बोलती मेरे को नहीं मालूम उधर मिलता है कि नहीं। मतलब चल ठीक है, अब ये रेंडर भी हो चुका है। अब बस तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। YouTube तो कितने साल से चल रहा है, आप भी इतने इंटेलिजेंट हो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन रहता है जिसको दबाने से आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वो प्लीज़ ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैं आपका दोस्त कुमावत मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।